वापी तहसील के बलीठा गांव में एक परिवार में एक माता और उनकी तीन बेटी होने से उनकी माता का अवसान होने से उनकी बेटी ने बेटे की फर्ज निभाकर माता को देह संस्कार दिया था। आज स्त्री भी पुरुष के बराबर बनी है, जिसके उदाहरण आज भी दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें बलीठा गांव के एक वृद्ध लक्ष्मीबेन किशन भाई रहते थे। उनके परिवार में सिर्फ तीन बेटियां ही थी और तीनों बेटियां बेटों के समान थी और उनकी माता का अवसान होते उनकी बेटी सरोज और संगीता ने देह संस्कार दिया था। पहले के वक्त ऐसा रिवाज चल रहा था कि कुछ काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, पर यह मान्यता झूठी साबित हुई है और स्त्री भी सभी काम शक्य उतना कर सकती है। आज रोज दोपहर के आसपास पालन फाटक के पास रहते राजेंद्र छगन भाई सोलंकी रास्ते से गुजर रहे थे। उस दौरान तेज गति से आते डंपर चालक ने राजेंद्र भाई को चपेट में लेते राजेंद्र भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तेज गति से चलाते डंपर चालक हादसा कर घटनास्थल से फरार हो गया था। पूरे मामले की जानकारी वलसाड रूरल पुलिस को होते रूरल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। पागल हुए बेल जैसे लापरवाह होकर तेज गति से डंपर चलाते चालकों के विरुद्ध पुलिस आखिर कब कोई कार्यवाही करेगी। पारडी तहसील के परिया गांव की बेटी की शादी वापी के चला विस्तार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते विनोद भाई मोहन भाई पटेल के साथ हुई थी और शादी के 18 साल बीत गए हैं। तब विनोद भाई की माता बीमार है और पिता को पैरालाइज हुआ था, जिससे तांत्रिक के पास जाते थे और विनोद भाई उनकी पत्नी नीता बहन पर अंधविश्वास रखकर 2 साल पहले परिया वेलवागढ़ मायके छोड़ गए थे, जिस अंतर्गत ग्राम पंचायत में 2 से 3 बार मीटिंग भी करने में आई थी और महिला मंडल में फरियाद दर्ज करवाई थी। 3 महीने बाद ले जाने का दावा किया था, जिसके बाद 8 जून 2020 के दिन रात को पति विनोद भाई पटेल उनकी पत्नी नीता बहन के कपड़े और दूसरा सामान पारडी परिया वेलवागढ़ घर देने आए थे, जो मायके पक्ष ने मना किया था, जिससे गुस्से में आकर विनोद भाई परिया में घर नज़दीक रास्ते पर नीता बहन के कपड़े भरा बैग छोड़कर कार में निकल गए थे। जिस मामले अंतर्गत पारडी पुलिस स्टेशन में नीता बहन के पिता नट्टू भाई कुरशन भाई पटेल ने विनोद भाई मोहन भाई पटेल के विरुद्ध फरियाद दर्ज करवाई थी, जो कि 18 साल के दौरान एक बेटा जो कक्षा 10 में अभ्यास करता है, जो हाल वापी चला में रहता है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या चिंता का विषय है, जिससे प्रदेश प्रशासन और भी सतर्क हुए हैं। प्रदेश के सभी चेक पोस्ट पर विशेष कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं सिलवासा शहर में भी दादरा नगर हवेली ट्रैफिक विभाग के नरेश पटेल की अगुवाई में एवं सिलवासा नगर पालिका द्वारा वाहन चालकों पर सख्ती से जांच की जा रही है। जांच के दौरान वाहन चालकों ने मास्क लगाए हैं या नहीं, साथ ही में द्विचक्रीय वाहन चालक ने मास्क के साथ हेलमेट पहना है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और ना पहनने वालों से दंड वसूल किया जा रहा है। वैसे तो सिलवासा नगर पालिका एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा लॉकडाउन हुआ तब से यह कार्य किया जा रहा है,
पर पिछले दो हफ्ते में कोरोना के केस का अंक 20 के पार होने से इस अभियान को और तेज कर दिया गया है। हालांकि सिलवासा शहर में कोरोना का कोई मरीज नहीं है, पर प्रदेश के दादरा गांव में अधिक मरीज होने से और शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर होने से दादरा नगर हवेली ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष रूप से त्रिचक्रीय वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं उन पर सख्ती से कार्यवाही करते दंड वसूल किया जा रहा है। वलसाड नेशनल हाईवे नंबर 48 पर शुगर फैक्ट्री के ब्रिज नज़दीक मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो में ले जाते 1,15,000 की शराब वलसाड रूरल पुलिस ने जब्त की थी। लॉकडाउन के दौरान टेम्पो के पीछे के भाग में विशेष खाने बनाकर उसमें छुपाकर शराब की तस्करी करने में आती थी, जिसे टेम्पो में सामान भरा हो तो भी पुलिस को पता ना चले, पर पुलिस द्वारा टेम्पो में ले जाते शराब पकड़ने में आई है। वलसाड में लॉकडाउन होने के बावजूद शराब की हेराफेरी चालू है। संघ प्रदेश दमन और सिलवासा से गुजरात में शराब लाई जाती है। गुजरात में शराब लाने बुटलेगरों द्वारा कई तरकीब आजमाई जाती है, जो कि संघ प्रदेश दमन और सिलवासा में ई पास के बिना आने जाने पर प्रतिबंध रखने में आया है, जो कि वलसाड रूरल पुलिस को जानकारी होते आज रोज शराब भरे छोटा हाथी टेम्पो को पकड़ लिया है, पर पुलिस द्वारा टेम्पो रोकते ड्राइवर टेम्पो छोड़कर फरार हो गया था। ई पास के बिना दमन और सिलवासा में आने जाने पर प्रतिबंध है तो यह शराब गुजरात में कैसे आई, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। पारडी स्थित एनके देसाई साइंस कॉलेज द्वारा छात्रों के लाभ हेतु प्रथम वर्ष बीएससी में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद रूप बनने के हेतु से हेल्प सेंटर की शुरुआत करने में आई है। बुधवार को कॉलेज के इंचार्ज आचार्य डॉक्टर हर्षावती पटेल के हाथों इस हेल्प सेंटर का उद्घाटन करने में आया था, जिसमें सूचनाओं को ध्यान में रखकर छात्रों को बिना दाम के फॉर्म भरने में मदद की जाएगी, जिसमें जरूरी सूचना अनुसार किसी भी कॉलेज में प्रवेश हेतु एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना फरजियात है। साथ ही में सभी छात्रों को सभी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भरने आना होगा। कॉलेज की कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर समय अनुसार मदद रूप बनेगा। ज़्यादा विगत और कॉलेज की जानकारी हेतु भार्गव पटेल 9909807411 पर संपर्क करें। कॉलेज के कैंपस के डायरेक्टर दीपेश साह के बताए अनुसार अपने विस्तार के छात्रों को मुश्किली ना हो, इस हेतु से कॉलेज द्वारा सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर फॉर्म भरकर प्रिंट बिना दाम के दी जाएगी, तो इस सेवा का लाभ सभी छात्रों को मिले इसलिए जानकारी दी जा रही है। आरडी एजुकेशन सोसायटी ની એનકે દિશા સાયન્સ કોલેજ આ વિસ્તારમાં સાયન્સ સ્ટ્રીમ માટે એક બે વર્ષમાં નામાંકિત કોલેજ બની ગઈ છે। આ કોલેજમાં નો મુખ્ય હેતુ જ મેઈન તો સેવાનો છે અને એને કારણે આજે જે આ કોરોનાના સંદર્ભમાં યુનિવર્સિટીની જે ગાઈડલાઇન આવે છે એમાં પણ જે 12 સાયન્સમાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે, કારણ કે એ લોકોએ ક્યાં ફોર્મ ભરવું, કેવી રીતે ભરવું, ઓનલાઈન કઈ રીતે કરવું અને એ વિદ્યાર્થીઓ કોનો કોન્ટેક્ટ કરવો, અમારું શું થશે, એટલે આ જે બધા હમણાંના કરંટ જે સિનારીઓ છે એમાં વિદ્યાર્થીઓને ગાઈડલાઇન આપવા માટે એનકે દિશા સાયન્સ કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની એક ગ્રુપ પ્રમાણે 10-10 ના સંદર્ભમાં વિદ્યાર્થીઓને બોલાવીને અમે એ કામ આજે ચાલુ કર્યું છે, જેથી વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ ગૂંચવાય નહીં અને એટલું જ નહીં એ વિદ્યાર્થીઓ બીજી કોલેજમાં જવાના હોય તો પણ અમને વાંધો નથી, પણ એક ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવીને એમના માથા પર હવે પછી શું નો જે ક્વેશ્ચન માર્ક છે એનો અમે અંત લાવવા માટે આ કોલેજ તરફથી જે કંઈ પ્રયત્ન થાય તે અમે આજે કરી રહ્યા છે અને આજે એની શરૂઆત અમે કરી દીધી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હવે બીએસસીમાં એડમિશન માટે ઓનલાઈન પ્રવેશ પદ્ધતિ છે, પણ આપણા ગામડાના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે જાતે ફોર્મ ભરવામાં ઘણીવાર મુશ્કેલીઓ પડે છે,
गया वर्षे अमे आ मुश्किल जी थी कि विद्यार्थी या तो साइबर कैफे में या तो जाते भरवा जाए तरह नाम में भूल करे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवानो रही जाए अथवा कोई खोटी रीतना डॉक्यूमेंट जाए कि फोटोग्राफ बराबर न हो आ बधा केसीस में अमार वेरिफिकेशन में बहुत चेन्जिस करवा पड़ेगा एट गया वर्ष थी अमे अमारी कॉम्प्यूटर लैब विनामूल्ये समाज माटे ओपन करी आपेली अमारे त्यां इंटरनेट कनेक्शन और 25 कॉम्प्यूटर साथेनुं सेंटर ए जेपी पाटिल द्वारा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज और एनके देसाई साइंस कॉलेज ए विनामूल्ये विद्यार्थियों माटे कार्यरत छे। आजे आ सेंटरनो मुख्य उद्देश्य एक ज छे कि कोईपण विद्यार्थी फॉर्म भरवामां अटकी न जाए। मारो एक सामान्य सूचन छे दरेक विद्यार्थियों के भले तमे एमबीबीएस करवा मांगता हो कि एंजीनियरिंग करवा मांगता हो कि फार्मसी करवा मांगता हो पर एनी प्रवेश पद्धति मोड़ी चालू थवानी छे। तमारे एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पण बीएससी नु फॉर्म भरी देवू जोईए कारण के आ ऑनलाइन फॉर्म न भरेला विद्यार्थीओ ज्यारे पहली कोई कोर्स में एडमिशन न मळे त्यारे बन्ने बाजू थी लटकी जाय अने एक वर्ष आखू बगड़े छे। आ न बगड़े एटला माटे अमारी दरेक विद्यार्थी विनंती अने एक बीजी माहिती पण खास आपवानी के अत्यारे युनिवर्सिटी ना जणाव्या मुजब घरे जाते फॉर्म भरी शकाय छे। तमे जो जाते भरी शकता हो तो चोक्कसपण तमारे जाते ज भरवुं जोईए। तमारे डॉक्यूमेंट बधा वेरिफाई करवाना छे ऑनलाइन एटले के तमे ज्यारे ऑनलाइन फॉर्म भरशो त्यारे तमारा डॉक्यूमेंट त्यां आगळ कन्फर्म थवा लागशे। जो तमने कोई मुश्किली जणाय तकलीफ जणाय तो अमारी कॉलेजनी वेबसाइट परथी नंबर लईने तमे टाइम लईने आ कॉलेज कैम्पसमां आवी शकशो। अमे दरेक कलाकमां 10-10 विद्यार्थीओने बोलावीए छीए अने अमारा तरफथी हेल्प सेंटर तरीके काम करशुं। अमे बधी ज कॉलेजो भरी आपीए छीए जेथी करीने कोई विद्यार्थीनुं कारकिर्दी फसाई न जाय। આ પ્રયત્ન અમારા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે જે વિદ્યાર્થીના લાભમાં રહેશે। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़त में और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वापी जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज द्वारा आज काढ़ा वितरण करने में आया। सुबह 9 से 12 बजे तक वापी टाउन सरदार चौक में काढ़ा का वितरण करने में आया। कोरोना महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए सेवा का लाभ लेने सभी को जानकारी देने में आई। वैश्विक महामारी कोरोना, जिस तरह इस कोरोना बीमारी से पूरे विश्व का विज्ञान परास्त हो चुका है, वहीं भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, जिसमें एक काढ़ा जो एक वरदान साबित हो रहा है पूरे देश में, कई जगह इस काढ़ा वितरण से इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके और कोरोना के मरीज को ठीक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी समाज, चूँकि 3 महीने से जो लगातार सेवा कार्यों में लगा हुआ है, आज इसने ये वापी में सबसे प्रथम काढ़ा वितरण करके एक नया यहाँ पर क्रम प्रारंभ किया है, जिससे पूरे वापी की जनता को लाभ हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सुबह से सैकड़ों लोगों ने इस काढ़े का लाभ लिया है। वापी तेरापन समाज इस काढ़ा वितरण के कार्यक्रम को आगामी 3-4 दिन तक यहाँ पर चालू रखेगा और अनुकूलता अनुसार वापी के अन्य क्षेत्रों में भी इस काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हमारा इस काढ़ा वितरण सेवा कार्य से लाभ मिले। और उसके साथ हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग दूरी बनाते हुए हमारे इस सेवा कार्य का लाभ ले रहे हैं। साथ ही हमारे प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग दे रहा है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और श्री जैन श्वेतांबर तेरापन समाज की वापी जनता के लिए एक अपील है कि हमारे द्वारा निर्मित इस भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से वर्षों जुनी इस परंपरा को हम इस काढ़े में जो हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं उनका इस्तेमाल करके इस काढ़े का निर्माण किया गया है, जो कि कई देश के कई हिस्सों में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसी काढ़े को हम चाहते हैं कि वापी का जन जन इसका उपयोग करे और अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ावे और कोरोना से लड़े और देश से कोरोना को भगावे। कोरोना वैश्विक महामारी की जरा आपको विश्व पीड़ित से लाखों लोगों आ दुनिया में पोताना जीव गुमाव्या छे। एवा समय आखा देश में कोरोना वायरस सामे लड़वानी प्रक्रिया चाली रही है। सरकार पण अने साथे साथे सेवाभावी संस्थाओ द्वारा शक्य एटला एमां प्रयत्नो करवामां आवे छे। एमां वापी श्वेतांबर तेरापन द्वारा आ लॉकडाउनना टाइममां आ कोरोनानी महामारीमां हमेशा ए लोको अमारी साथे सेवाना कार्यमां कपे कपा मिलावीने काम करे छे। हालना संજોગોમાં જે મહામારીથી બચવા માટે એક તો ઉકાળો પીવો જોઈએ, માસ્ક પહેરવું જોઈએ,
અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું જોઈએ આ ત્રણ મુખ્ય જરૂરિયાત છે. ત્યારે સ્વતંત્ર તેરાપણ દ્વારા આજે જે ઉકાળાનો કાર્યક્રમ જાહેર આ લોકો માટે રાખવામાં આવ્યો છે અભિનંદનીય છે. તેમને હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું નગરપાલિકા વતીથી. અને આ રીતે લોકોને કોરોના વાયરસથી બચવા માટેના જે પ્રયત્નો છે એમાં મદદરૂપ થવા માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેલ સ્વતંત્ર તેરાપંથી સમાજ દ્વારા વાપી સરદાર ચોક આગળ આયુર્વેદિક ઉકાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એનો મતલબ લોકો લાભ લે અને એનાથી મતલબ ચાર દિવસ સુધી લોકો વિતરણ કરવાનું છે. એનાથી મતલબ સીધા ચાર દિવસ સુધી છે મતલબ એમની ઇમ્યુનિટી વધશે. ઇમ્યુનિટી વધશે તો મતલબ જે કોરોના વાયરસ આજે મતલબ ફેલાઈ રહ્યો છે એની સામે એ લોકોને રક્ષણ મળવા માટે ઘણું સારું છે. એટલે લોકો એને ચાર દિવસ ઉપયોગ પીએ અને એનો લાભ લે. पारडी तहसील में तरमालिया गांव के जनसेवा ग्रुप द्वारा पारडी के डॉक्टर विरल पटेल और प्रतीक पटेल के दिशा निर्देश में सनसनी वटी की 1,00,000 गोली का निर्माण करने में आया है. यह रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा सूचित किया है. यह सनसनी वटी का बिना किसी दाम के वितरण कर अब तक इसमें आमड़ी तरमालिया वेलपरवा गांव और पारडी पुलिस स्टेशन और पारडी की नीलकंठ सोसाइटी में करीबन 4,000 से ज़्यादा लोगों को इस गोली का लाभ दिया है और अन्य गांवों में भी इस सनसनी वटी का वितरण करने कार्यरत है. इस सनसनी वटी के निर्माण में जनसेवा ग्रुप तरमालिया नीलकंठ के युवा मित्र और डॉक्टर पार्थ पटेल का इस कार्य में अच्छा सहकार मिल रहा है. હું ડૉક્ટર વિરલ પટેલ, સાંઈ ક્લિનિક આમડી. અત્યારે જ્યારે કોરોનાની મહામારીનો કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે એ ટાઈમે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા સનસનની વટી સૂચિત કરવામાં આવી છે રોગપ્રતિકારક શક્તિ માટે. તો એ માટે અમે મારા મિત્રો સાથે ડૉક્ટર પ્રતીક પટેલ અને ડૉક્ટર પાર્થ પટેલ તથા તરમાલિયા ગામના જનસેવા ગ્રુપ એમની મદદથી સનસનની વટી જાતે જ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું છે. આ સનસનની વટીના નિર્માણ માટે અમે જાતે જ ગામડામાં વૃક્ષો ઉપરથી ગળો એટલે કે ગિલોય, જેને ગામડામાં સાદી ભાષાની અંદર ગામોડિયાના વેલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એનું જાતે જ કલેક્શન સ્ટાર્ટ કર્યું અને એ પછીથી એમાં આયુર્વેદિક શાસ્ત્રોક્ત વિધિની મદદથી તેનો ગણ કાઢવામાં આવ્યો અને તેમાંથી સનસનની વટી ટેબ્લેટનું નિર્માણ કર્યું છે. આ સનસનની વટી અમે અંતરિયાળ ગામોની અંદર નિઃશુલ્ક વિતરણ ચાલુ કર્યું છે. અત્યાર સુધીમાં અમે આમડી, તરમાલિયા અને વેલપરવા જેવા ગામોની અંદર લગભગ 3,500થી ઉપર લોકોને આ ટેબ્લેટ વિનામૂલ્યે વિતરણ કરી છે. તે ઉપરાંત પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અમે આ ગોળી તેમના સ્ટાફ માટે પહોંચાડી છે. લગભગ આ અમે 2,00,000 જેટલી ગોળીઓનું નિર્માણ કર્યું છે અને આ ગોળીઓ બને ત્યાં સુધી અંતરિયાળ ગામોની અંદર અમે જ્યાં સુધી પહોંચી શકીએ ત્યાં સુધી પહોંચાડવા માટે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ. આ ટેબ્લેટના નિર્માણની અંદર જનસેવા ગ્રુપ તરમાલિયા તથા લોકમંગલમ ટ્રસ્ટ અને પારડીના નીલકંઠ સોસાયટીના યુવા મિત્રો એમનો અમને ખૂબ જ સારો સાથ સહકાર મળી રહ્યો અને જો આવો જ સાથ સહકાર અમને મળતો રહેશે તો અમે ભવિષ્યમાં પણ મારા ડૉક્ટર મિત્રો અને આ ગ્રુપ સાથે મળીને આ ટેબ્લેટનું આગળ પણ નિર્માણ કરીને બને ત્યાં સુધી જેટલા લોકો સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી પહોંચાડવા માટે અમે પ્રયત્નશીલ રહીશું. આ દવા અમે વિનામૂલ્યે આપી રહ્યા છીએ પરંતુ લોકોને અમારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ દવા બનાવવા માટે બધા મિત્રોએ ખૂબ જ સારી એની અંદર મહેનત કરી છે. એ દવાના નિર્માણની અંદર કમસે કમ 7-10 દિવસ સુધીની પ્રોસેસ અને તેનું પેકેજિંગ ને બધું મળીને લગભગ 2 અઠવાડિયા જેટલાનો ટાઈમ અમે આપ્યો છે. તો બધાને નમ્ર વિનંતી છે કે દવાનો બગાડ કરશો નહીં અને વ્યવસ્થિત દવા વ્યવસ્થિત રીતે લે જેથી તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ જળવાઈ રહે અને તમે કોરોના જેવા મહામારી સામે તમે લડી શકો. कोरोना महामारी में उमरगांव तहसील में बड़ी मात्रा में आयुर्वेद काढ़ा पिलाने आयुर्वेद चिकित्सक दंपति वेद अर्चना बहन जो सरकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल माणिकपुर और वेद तेजस पटेल जो सरकारी आयुर्वेद हॉस्पिटल धोड़ीपाड़ा में फर्ज निभाते हैं उनके द्वारा काढ़े के जत्थे को बनाने हेतु ज़्यादा मात्रा में सामग्री एकत्रित की गई जिससे संस्कृत में अमृता नाम से जाना जाता है जिसका उपयोग वितरण हेतु किया जाएगा. सामग्री एकत्रित करने माणिकपुर के सेवक संजय भाई और धोड़ीपाड़ा के सेवक निग्मेशा बहन ने मदद की थी.
पिछले दो दिन से कांग्रेस के विधायक को वलसाड जिला में इकट्ठे किए होने की और विभिन्न रिसोर्ट में रखे होने की राजकीय चर्चा चल रही थी। वहीं मंगलवार शाम को पार्डी के वल्लभ आश्रम नजदीक आए गौरव पंड्या के फार्म हाउस में कांग्रेस के विधायक को मीडिया के सामने पेश करने में आए थे। विधायक अनंत पटेल ने बताया कि भाजपा चुनाव के वक्त खेल खेलता है और कांग्रेस के विधायक को गुमराह करते हैं। छूटे विधायक को फोन कर इनका हो गया है, यह साथ में आ गए हैं, अब आप भी आ जाओ, आपकी भी बात करते हैं, ऐसा कहकर करोड़ों की ऑफर देते हैं। वलसाड जिला में विधानसभा में सिर्फ कपराड़ा सीट पर कांग्रेस विजेता हुआ था, जब बाकी चार सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। विजेता बैठक के जीतू भाई चौधरी ने भी विधायक पद से और कांग्रेस के सभ्य पद से इस्तीफा देते वलसाड कांग्रेस में शून्यावकाश जैसी स्थिति हुई है। एक साथ भेगा करवानु कारण ये छे के भारतीय जनता पार्टी नी एवी मॉडल ऑपरेंडी रही छे कि आनंद भाई ने फोन कर से कि सुनील भाई तैयार छे और तमे भी आवी जाता हो तो साथे साथे बेनू करती। चंद्रिका बेन ने फोन कर से कि वजू भाई तैयार छे और तमे भी हा पाड़ दो तो अमे खेल पताई दिए। एवी रीते दरेक धारासभ्य ने जूठी बातों कर भरमावी ने कहे तो अमरी पास आ गया है, हमें तमे भी आ जाओ तो तमरु भी पती जाए, अमे तो एमने आटला आपवानुं नक्की कर दीधुं छे। एटले एवी रीते जे इंडिविजुअल जे धारासभ्य रहे तेने मानसिक रीते गूंचवी नाखे अने एने गभरावानो प्रयत्न करे, एने टॉर्चर करवानो प्रयत्न करे, एना कारणे एना मनोबळ पर पण मोटी असर थाय अने बिचारो શું કરવું એને પણ સમજ નહીં પડે। તો અમે નક્કી કર્યું કે કેમ નહીં આપણે બધા જ ધારાસભ્યો એક સાથે જ ભેગા થઈએ તો કમસે કમ આવા જૂઠણાથી બચી શકીએ કે ભાઈ એક જણને ફોન આવે તો બીજાએ કહી દેવાનું કે મારા પર આ ભાઈનો આવો ફોન આવ્યો, મને આવું કહેતો હતો। હવે પેલા એમ કે આનંદભાઈને ફોન કરીને કે સુનિલભાઈ અમારી પાસે આવી ગયા છે, પણ સુનિલભાઈને આનંદભાઈ જોડે જ હોય તો આનંદભાઈને ખ્યાલ આવી જ જાય છે કે સામેનો માણસ જૂઠું બોલે। એટલે આવી જે પ્રયત્નો ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતા હતા એના કારણે અમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ સામ સામે આપણે જ બધા સાથે બેઠા હોઈએ તો ભલે ને કે જેના ફોન કરવા એ કરે, અમે કોઈના ફોન સ્વિચ ઓફ નથી કરાવ્યા, બધાના ફોન ચાલુ છે, એમના મત વિસ્તાર જોડે બી સંપર્કમાં છે, પણ સાથે રહે તો આવી આ જે લોકો છેતરામણીની યુક્તિ કરે છે એનાથી બચી શકે। એ પ્રકારની ઓફર કરવામાં આવી હતી કે બીજા ઘણા બધા ધારાસભ્યો છે કોંગ્રેસના, આદિવાસી ધારાસભ્યો છે જે અમારી સાથે જોડાવાના છે, તમે પણ અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ અને અમારી સાથે રહીને તમે વિકાસના કામો કરી શકશો એવી ઓફર કરવામાં આવી હતી। કોણે કરી હતી આ ઓફર? અમારી પાસે જેણે મોકલ્યા હતા એ જિલ્લા નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસના નવસારી જિલ્લા ભાજપના મુખ્ય કાર્યકર્તાઓએ મોકલ્યા હતા। અને કેટલાકની ઓફર હતી? એમની ઓફર તો હવામાં તીર મારવાનું એટલે 100 કરોડ 200 કરોડની પણ ઓફર હોઈ શકે। वलसाड जिला में बारिश की सीजन शुरू हो गई है। पिछले 4-5 दिनों में वलसाड जिला के विविध विस्तार में बारिश होते स्थानिक और किसानों में खुशी का माहौल छा गया है। जिला के किसानों ने अड़द, तुवर, वाल, नागली जैसे फसल का रोपण चालू कर दिया है। वलसाड जिला में बारिश शुरू होते किसानों में खुशी का माहौल छा गया, क्योंकि वलसाड जिला के कपराड़ा और धर्मपुर तहसील में किसान बारिश की राह देख रहे थे। वलसाड जिला में पिछले 24 घंटे में देखे तो वलसाड में 3 mm, पार्डी में 3 mm, वापी में 15 mm, उमरगांव में 6 mm, धर्मपुर में 42 mm, कपराड़ा में 2 mm और वलसाड जिला में सबसे ज़्यादा बारिश तहसील में देखे तो धर्मपुर में 120 mm और कपराड़ा में 133 mm देखने को मिली। इस तरह इस साल जल्दी बारिश शुरू होते आसमानी खेती पर निर्भर किसान हाल नियमित बारिश शुरू होने के दिन नज़दीक आते उन्होंने रोपण की शुरुआत कर दी है। वलसाड जिला के किसान आसमानी खेती कर बारिश के दौरान जीवन जरूरी फसल लेते हैं। हाल उन्होंने मागली, डांगर, तुवर, अड़द जैसे पाक का रोपण कर दिया है। किसानों ने ज्यादा में बताया कि बारिश अनियमित रहने से जो तक मिली है उसे संभाल कर आने वाले दिनों में लंबे वक्त तक बारिश हो पर मिली तक को संभाल लेना चाहिए।